हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कोल्ड वैक्स को कैसे यूज करना है, फुल डिटेल्स में और डेमो भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आयुका कोल्ड वैक्स। आप कोई सा भी कोल्ड वैक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप आयुका कोल्ड वैक्स यूज कीजिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। और मैं यहाँ पे वैक्स को अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरह का एक स्पून समझिए आप ले रही हूँ इसको वैक्स को अप्लाई करने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं आपके पास, अगर यूज ना आपके घर में अगर यूज ना होने वाली स्पून हो, आप जिसे यूज आप यूज नहीं करते, आप वो भी ले सकते हैं वैक्स को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं वैक्स को रिमूव करने के लिए ये स्ट्रैप्स चाहिए आपको। आपको ये कहीं भी मार्केट में भी मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी परचेस करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। और चलिए तो मैं आप सबको अप्लाई करके दिखाऊंगी। वैक्स को आप इस तरह से निकाल लिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको इसको निकालना है, एकदम से ज्यादा मत निकालिएगा। और जहां पर भी आपकी हेयर से वहां पर आपको इसको अप्लाई करना है। इस तरह के डायरेक्शन में नीचे की ओर ले जाते हुए इस तरह के डायरेक्शन में आपको इस तरह से अप्लाई करना है। नीचे के डायरेक्शन में आपको इस तरह से अप्लाई करना है। और आपको ये इसको वैक्स को अप्लाई करने के बाद इस तरह के ये स्ट्रैप लेना है। इसके दो साइड होते हैं, एक राउंड साइड और एक राइट साइड। आप देख के आपको पता चल जाएगा ये वाला जो साइड है ये राउंड साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड को ऊपर करना है, राउंड साइड जो है उसको वैक्स के ऊपर इस तरह से लगा देना है। देखिये मैंने यहाँ पे वैक्स अप्लाई किया हुआ है, तो मैं अब आप सबको दिखा रही हूँ। इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है और थोड़ी हल्के हाथ से इस तरह से रब करना है नीचे की ओर। और इस तरह से रब करने के बाद आपको पुल करना है, यानी इसको खींचना है ऊपर की तरफ, ऑफ साइड पे खींचना है आपको। आपको एक ही बार में खींचना है आपको, ताकि अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ज्यादा दर्द होगा। अगर आप एक ही बार में निकालेंगे तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा जो आप ले सह सकेंगी। और इस तरह से आपको इस तरह से पुल कर देना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने वैक्स किया था वहाँ का जो सारे हेयर से वो रिमूव हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हेयर से मेरे, इस तरह से एक ही बार में पूरे हेयर्स को ये निकाल देता है। और जहाँ पे भी आपने वैक्स किया है, वैक्स करने के बाद वहाँ पर आप कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं, या आप साबुन भी यूज कर सकते हैं इसको वॉश करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने वैक्स किया, जिस पर वैक्स किया है उस स्ट्रैप को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको हेयर्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे शायद इस साइड में। इस तरह से बढ़िया तरीके से आपके जो हेयर से, जहाँ पर भी आप हेयर से, आप अंडर आर्म्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कोल्ड वैक्स को कैसे यूज करना है मैंने फुल डेमो करके भी आप सबको दिखा दिया। अगर आपको अपने हेयर को रिमूव करने के लिए कोल्ड वैक्स का यूज करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोल्ड वैक्स से आपके हेयर ग्रोथ है वो काफी स्लो हो जाती है और आपको बार बार वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको 3 महीने 4 महीने बाद आपको वैक्स कराने की जरूरत पड़ती है अगर आप कोल्ड वैक्स का यूज करते हैं। अगर आप कोल्ड वैक्स यूज करना चाहते हैं तो आप आयुका कोल्ड वैक्स यूज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। आयुका कोल्ड वैक्स के ऊपर मैंने अलग से रिव्यू कर रखी है, आप अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने हेयर को रिमूव करने के लिए कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज करती है तो आपके हेयर ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट हो जाती है और आपको बार बार अपने हेयर को रिमूव करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।